बारिश और ओलावृष्टि के चलते खराब हुई फसलों को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल एक बार फिर से एक्शन में नजर आए। मंत्री दलाल ने आज बाढ़ा हल्के में ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और इस मंत्री ने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार किसानों के साथ खड़ी है। जेपी दलाल ने आज बाढ़ा के ओला प्रभावित गाँव खोरड़ा, गोलविंदर, गोविंदपुरा, आर्यनगर, भांगड़ा में खेतों में उतरकर फसलों के नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान किसानों ने मंत्री से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद जेपी दलाल ने कहा कि ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है और सरकार किसानों से नुकसान की भरपाई जरूर करेगी। कल मैंने लोहारू क्षेत्र के गाँव का दौरा किया था, आज बाढ़ा क्षेत्र के चार पाँच गाँव का दौरा किया, आर्यनगर, बांडवा, खोरड़ा और आसपास के गांव, और यहां जो अत्यधिक ओलावृष्टि होने की वजह से किसानों के चेहरे पर बहुत परेशानी है। मैंने इनको आश्वस्त किया है कि हरियाणा सरकार किसानों के नुकसान को अपने ऊपर लेगी, जो भी कानूनी तौर पर इनकी मदद हो सकेगी, चाहे बीमा कंपनी के द्वारा या अपने खजाने से जो इनकी भरपाई हो सकेगी, निश्चित तौर पर हम करेंगे। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, खासकर ये इस क्षेत्र के अंदर सरसों और मूली बोते हैं और बिल्कुल तहस नहस इनकी फसल हो गई है। मैं इनको आश्वस्त करता हूँ कि हम इनकी मदद हर हालत में करेंगे। दरअसल बीती 25 फरवरी को तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, जिससे हरियाणा के कई हिस्सों में किसानों की फसलों में भारी नुकसान हुआ। बीते दिन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हल्के में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और आज भाडड़ा क्षेत्र में पहुंचकर मंत्री जी ने फसल के नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान फसलों का नुकसान देख मंत्री दलाल ने किसानों की हर संभव मदद का मुआवजा देने का भरोसा दिया और साथ ही कपास की फसल में हुए नुकसान की बीमा राशि भी जल्द किसानों के खेतों में आने की बात कही। पहले का जो खराबे का पैसा था हरियाणा सरकार से, वो जारी कर दिया गया 28 तारीख से, आज की दी थी, आज जाके चंडीगढ़ जाके रिव्यू करेंगे सारा। हमने कहा था 28 तक डाल दें और बीमा कंपनी का भी मार्च के महीने में जो भी जिस भाई ने बीमा करवा रखा है उसका पैसा आ जाए। किसानों से ये मांग है कि बीमा मिलता है तो काफी समय लग जाता है, किस किसानों की फसल ही चौपटी है, किसी को शादी नहीं। हम धीरे धीरे करके चीजों में सुधार कर रहे हैं और बीमे के कमेटी बनाएंगे हम जिला वाइज, जिसमें दो दो किसानों को जोड़ेंगे ताकि किसान की कोई समस्या हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उस कमेटी में वो हो जाए, जुड़ जाए और किसानों को जल्दी बीमा देना, जो उनका नुकसान की सही आकलन सही हो, कोई किसान छूट ना जाए, कोई गांव छूट ना जाए। तो ये हमारी कोशिश ये है कि जो किसानों ने पसीना बहाया है, उसको जो जोखिम हुआ है, उस जोखिम को सरकार अपने ऊपर ले और किसान की मदद करे। बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों की समस्याएं भी सुनी और उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि जिन किसानों का बीमा बना हुआ है उनके नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी और जिन किसानों का बीमा नहीं हुआ है उनकी फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर सरकार मुआवजा देगी। बहरहाल ओलावृष्टि से हुए नुकसान की स्पेशल गिरदावरी और प्रति एकड़ 50,000 मुआवजे की मांग को लेकर किसान संगठनों ने सरकार के खिलाफ हुंकार भर दी है और 10 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए मंत्री जेपी दलाल के आवास का घेराव करने की चेतावनी भी दी गई है। बाढ़ा से नरेंद्र कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।